गरीब आदमी का भी पेट भर रहा है, अपनी भी दिहाड़ी बन जाती है सेल के हिसाब से, तब चल रही है गाड़ी दोनों तरफ। 40 रुपए में आप पेट भी भर पाते हैं आम आदमी का और कमा भी लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो कमा ही लेंगे जी। मैं अगर कहूँ ना मुझे 10 रुपए की भी चाहिए तो वो भी अच्छी खासी भर के देते हैं। अच्छा, 10 रुपए में कड़ी आती खापे है। कृषि मेला हिसार की, जहाँ पे 100 रुपए में 3 कच्ची रोटी मिल रही थी। और तो पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कृषि मेला हिसार की, जहाँ पे 100 रुपए में 3 कच्ची रोटी मिल रही थी। और आज हम आपको अग्रसेन भवन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ हमने भी खाना खाया है अभी अभी। 40 रुपए में भरपेट रोटी खाई है, खाना खाया है, जिसमें कच्ची रोटी नहीं, बढ़िया तंदूर की पकी हुई रोटी, 2 प्रकार की सब्जी जिसमें कड़ी चने छोले की सब्जी और लस्सी भी साथ में मिली है, प्याज की जो सलाद है, जितना चाय खाइए, जितनी लस्सी पीनी है पीजिए, मिर्च भी है, अचार भी है, सब कुछ मिला है। लेकिन एक खाना वहाँ मिला किसान कृषि मेले के अंदर, जहाँ पे कच्ची रोटी, ना कोई सलाद, ना कोई लस्सी, और किसानों से 100 रुपए लूटे गए कहेंगे, क्योंकि मजबूरी वंश किसानों को वो 100 रुपए दे करके पेट भर रोटी खानी पड़ी। इतना सस्ता खाना आम जगह मिल सकता है तो किसानों को वही खाना 100 रुपए में कच्ची रोटियां खाने पे क्यों मजबूर होना पड़ा, इस बात के लिए भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे नान खाना चाहे तो नान खा सकते हैं, रोटी खाना चाहे तो रोटी खा सकते हैं। ये जगह की बात करें तो महाराजा अग्रसेन भवन हिसार के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बात भी करेंगे भाई साहब से और आपको थोड़ा परिचय भी कराएंगे कि इतना सस्ता खाना और बढ़िया खाना आखिर कैसे दे पाते हैं। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए। विजय कुमार जी। तो इतना बढ़िया खाना, अच्छा खाना कैसे दे पाते हैं कम रेट के अंदर? एक और भाई है हमारे से जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम अजय जी। तो कितने दिन से ये रोटी का जो खिलाने का काम है वो कर रहे हैं? शुरुआत तो हमने जी 25-26 साल पहले की रखी है, मेरे पापा पापाजी ने। अच्छा, अब हम और आए हैं 15-16 साल से यही कर रहे हैं। हाँ जी। तो इतना सस्ता खाना 40 रुपए में आप भरपेट रोटी खिला रहे हैं, रोटियों की कोई काउंटिंग नहीं, सब्जी की कोई नहीं, प्याज का सलाद चाहिए तो सलाद और लस्सी भी आगे रख देते हैं, जितना मर्जी है पीजिए। सर, पूरे गरीब आदमी का भी पेट भर रहा है, अपनी भी दिहाड़ी बन जाती है सेल के हिसाब से, तब चल रही है गाड़ी दोनों तरफ। 40 रुपए में आप पेट भी भर पाते हैं आम आदमी का और कमा भी लेते हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो कमा ही लेंगे जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा खाना दे रहे हैं। तंदूर की रोटियों की बात करें तो पकी हुई तंदूर की रोटी यहाँ पे मिल रही है। और सब्जी की बात करें तो क्या क्या सब्जी देते हैं यहाँ? कड़ी परमानेंट होती है जी, छोले होते हैं, दाल, राजमा, बाकी जो भी सब्जी, एक सब्जी बदल के बनती है, चटनी होती है, गाजर अचार, अचार भी देते हैं साथ में। और लस्सी जो है, लस्सी कहाँ से आती है? लस्सी तो लस्सी बहुत बढ़िया लस्सी थी, गांव से आती है जी लस्सी अपनी सारी। अच्छा, गांव की लस्सी भी यहाँ रख देते हैं कि भी जितना मर्जी आए खाना भरपेट खाइए। हाँ जी, मात्र 40 रुपए में। हाँ जी, अगर नान खाना चाहे तो? दो नान है जी 40 रुपए के। अच्छा। हाँ जी, सब्जी साथ में उसमें अमूल मक्खन भी ले आए। अच्छा, सब 40 रुपए में 2 नान और अमूल मक्खन के साथ। हाँ जी। तो दोस्तों, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक तस्वीर हमने आपको किसान मेले की दिखाई थी जहाँ पे किसानों को कच्चा खाना दिया गया था, और एक तस्वीर ये है शहर के हिसार के इस इलाके की, जहाँ पे भर पेट 40 रुपए मात्र में खाना मिल सकता है, तो किसानों को इस तरह से क्यों कच्ची रोटी खानी पड़ी, ये तस्वीर दिखाना हमारा उद्देश्य है। तो हुए हैं, खाना खा रहे हैं। क्या नाम है भैया का? मदन गोपाल। तो कितने दिन से यहाँ खाना खा रहे हैं? साल पूछो भाई साहब। सालों से? तो कैसा लगा? ये मान लीजिए 4 साल से तो हम है यहीं पे। अच्छा, 4 साल से हम, हमारी ये मतलब नवरात्र में शॉप लगती है। अच्छा। मंदिर पे तो हम यहीं से लेके जाते हैं अधिकतर, जब हमें संडे को सब्जी वगैरह भी लेके जाने का, इन भैया की मैं अगर कहूँ ना मुझे 10 रुपए की भी चाहिए तो वो भी अच्छी खासी भर के देते हैं। अच्छा, 10 रुपए में कड़ी आती खापे है, ब्रेड छोले वाला के 10 का छोले भी देता ना तो भी रोकता है देने के लिए, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इस भाई ने कभी किसी को मतलब भूखा नहीं भेजा। एक दिन मैं आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, भाई बोला तू खा ले आराम से दे,
मतलब दे के जाइए। अच्छा, मैं बस यही कहूँगा इस की मतलब हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा भाई सारे इसको सपोर्ट करो या आगे जाएगा।